सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। आज इम्पैक्ट रेसलिंग का रेबेलियन 2023 ऑफिशियली एंड हो चुका है और इस वाले पेपर व्यू में हमें काफ़ी मैचेस देखने को मिलते हैं, तो उन सब मैचेस के हम लोग रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलिए चले वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइज, इस वाले पेपर व्यू का हमें फर्स्ट मैच देखने को मिलता है हिथ स्लेटर एंड राइनो वर्सेस चैंपियन सिंह एंड सेडा के बीच में। मैच काफ़ी अच्छा रहता है, मैच का मतलब फर्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है और इस वाले मैच को और कोई नहीं बल्कि आप कह सकते हो कि चैंपियन सिंह एंड शेरा इस वाले मैच को जीतते हैं और वो हराते हैं हिथ स्लेटर एंड राइनो को। नेक्स्ट मैच हमें नॉकआउट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलता है और किसी के बीच में नहीं बल्कि गाइज आप कह सकते हो कि द कॉवेन वर्सेस डेथ डॉल्स के बीच में। ये वाला मैच हमें नॉकआउट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए यानी कि इंपैक्ट रेसलिंग के वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है और इस वाले मैच को और कोई नहीं बल्कि जो करेंट के हमारे टैग टीम चैंपियंस रहते हैं यानी कि नॉकआउट टैग टीम चैंपियंस रहती हैं टेलर वाइल्ड एंड लाइनिन किंग इस वाले मैच को जीतती हैं और वो लोग हराती हैं रोज मैरी एंड जेसिका को। वहीं पे थर्ड मैच की बात की जाए तो ये वाला मैच हमें इम्पैक्ट के आप कह सकते हो कि वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलता है और ये वाला मैच हमें एस एस्टिन एंड क्रिस बे वर्सेज मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेज काफ़ी सारे टैग टीम के बीच में देखने को मिलता है, यानी कि दो ही टैग टीम रहते हैं इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिलता है। ये वाला भी मैच हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है लेकिन एट द एंड इस वाले मैच को और कोई नहीं बल्कि आप कह सकते हो कि जो हमारे इम्पैक्ट के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस रहते हैं एस एस्टिन एंड क्रिस बे वो हराते हैं मोटर सिटी मशीन गन्स को। वहीं पे थर्ड मैच की बात की जाए तो गाइज ये वाला मैच हमें और किसी के बीच में नहीं बल्कि डिजिटल मीडिया चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलता नहीं है बल्कि गाइज डिजिटल मीडिया चैंपियन के बीच में हमें देखने को मिलता है जो हेनरी डर्टी डैंक्स एंड सेंटिनो मेरेला वर्सेस द डिज़ाइन एंड कैलियन के बीच में। ये वाला भी मैच हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है जो हमारे डिजिटल मीडिया चैंपियन रहते हैं वो इस वाले मैच को जीतते हैं, उनको सपोर्ट करने वाले जो हेनरी एंड डर्टी डैंगो एंड सेंटिनो मेरेला हराते हैं डिज़ाइन को यानी डिनर एंजेलो एंड कॉन एंड कैलियन को। और नेक्स्ट मैच हमें एडी एडवर्ड्स मतलब हमें एक मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिलता है, लास्ट राइट्स मैच हमें देखने को मिलता है एडी एडवर्ड्स एंड एलिशा वर्सेस पीसीओ के बीच में और इस वाले मैच को और कोई नहीं बल्कि पीसीओ हराती हैं एडी एडवर्ड्स एंड एलिशा को, ऐसा मैं बोल रहा था। और नेक्स्ट गाइज मैच हमें थ्री वे एलिमिनेशन मैच देखने को मिलता है एक्स डिवीजन चैंपियनशिप के लिए ट्रे मैगल वर्सेज जोनाथन ग्रिशम वर्सेज माइक बेली के बीच में। आई डोंट नो गाइस कि मैं कब से देख रहा हूँ कि ट्रे मैग्यूल मतलब एक्स डिवीजन चैंपियनशिप के ही लाइन में है, लेकिन चलो भैया कोई भी हो कुछ भी हो तो भैया हमें मैच देखने को मिलता है और इस वाले मैच का रिजल्ट क्या होता है बताने की आपको आवश्यकता नहीं है गाइस। और नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है मतलब स्टीव मैकलिन वर्सेस कुशीडा के बीच में इम्पैक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और इस वाले मैच हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। याद होगा गाइस कि जो हमारे इससे पहले इम्पैक्ट के वर्ल्ड चैंपियन थे जोश अलेक्जेंडर वो अपने चैंपियनशिप को मतलब रिलिंक्विश कर देते हैं, इसके कारण से हमें कुशीडा वर्सेस स्टीव मैकलिन के बीच में इम्पैक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है और इस वाले मैच को और कहीं बल्कि स्टीव मैकलिन जीतते हैं और वो कुशीडा को हरा के न्यू इम्पैक्ट के वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। तो गाइज नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है जॉर्डन ग्रेस वर्सेस डियोना प्राजो के बीच में नॉकआउट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। ये वाला मैच हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है और इस वाले मैच को और कोई नहीं बल्कि डियोना प्राजो जीतती हैं और वो हराती है जॉर्डन ग्रेस को और वो हमारे मतलब इम्पैक्ट के न्यू नॉकआउट वर्ल्ड वुमेंस चैंपियन बनती है। और फाइनली कुछ इस प्रकार से इम्पैक्ट रेसलिंग का आप कह सकते हो कि रिबेलियन 2023 बीत चुका है, तो गाइस हमें कुछ यही चीज़ देखने को मिला। तो इसके बारे में आपको क्या कहना आप मुझे बता सकते हो। तो गाइस आज के इम्पैक्ट रेसलिंग के रिबेलियन 2023 में कुछ यही मैचेस के रिजल्ट हुए हैं।